नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। बिहार में जातीय जनगणना को पटना हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है। सूत्रों की माने तो राज्य में जातीय जनगणना का काम करीब 80% तक हो गया है। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना की मांग तेज होने लगी है। बीजेपी के विरोधी दल लगातार इसकी मांग कर रहे हैं और उन्हें एनडीए के दलों और कई दलों का साथ मिल रहा है। दरअसल मायावती ने बुधवार को जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ओबीसी समाज की आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक स्थिति का सही आकलन कर उसके हिसाब से विकास योजना बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही जातीय जनगणना को पटना हाईकोर्ट द्वारा पूर्णतः वैध ठहराए जाने के बाद अब सबकी निगाहें यूपी पर टिकी हैं कि यहाँ जरूरी प्रक्रिया कब होगी। बीएसपी चीफ ने कहा, देश के कई राज्य में जातीय जनगणना के बाद यूपी में भी इसे कराने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है, किंतु वर्तमान बीजेपी सरकार भी इसके लिए तैयार नहीं लगती है। यह अति चिंतनीय, जबकि बीएसपी की मांग केवल यूपी में नहीं बल्कि केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर भी जातीय जनगणना करानी चाहिए। देश में जातीय जनगणना का मुद्दा मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की तरह राजनीति का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।